किसी ने एक सवाल किया, जब दज्जाल आएगा तो क्या कुरान उठा लिया जाएगा? तो इस ताल्लुक से याद रखिए, हम नहीं जानते सिवाय इसके कि रिवायत में जो आता है कि रातों रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रात आएंगी और कुरान अचानक गायब हो जाएगा हाफिज़ों के जहन से, लोगों के जहन से, और मसहफ से उसके अल्फाज उड़ जाएंगे अचानक। एक रात लोग सोएंगे, उठेंगे, किताब खाली, कुरान मसहफ में से ही गायब, और जितने लोगों को हिफ्ज़ होंगे गायब हो जाएंगे। कब होंगे वो अल्लाह आलम, इसकी तरतीब जोड़ नहीं सकता हूँ मैं इन वाक़ियात के अंदर। उल्मा ने कुरान का ख़त्म होना ये छोटी अलामतों में से लिया है। अब लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि छोटी अलामतें पूरी पहले होकर फिर बड़ी पूरी चालू होंगी। छोटी अलामतें हो सकता बड़ी की बाद में भी चलते रहेंगी उसके बीच बीच में कहीं, लेकिन अब उसका तसलसल, उसकी चेन हम जोड़ नहीं सकते। कब कैसे काबे का ढाया जाना, मदीना का गैर आबाद होना, चेन में जोड़ नहीं सकते हम कहाँ होंगे एग्जैक्टली, लेकिन बट वो होने वाला है। तो उसी में कुरान उठा लिया जाएगा, हम नहीं जानते उस ताल्लुक से, कोई वजाहत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि क़यामत से पहले अचानक रातों रात मुसलमान सोएंगे, सुबह उठेंगे तो मसहफ में से कुरान मिट जाएगा, जहनों में से अल्लाह उसको उठा लेगा। कब होंगे वल्लाहु आलम। जी।